नमस्कार दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन ने एग्ज़ाम टाइम टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें जून 2022 में आयोजित एमटेक द्वितीय सेमेस्टर नियमित एवं बीटेक द्वितीय चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर नियमित एवं एटीकेटी तथा प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर की एटीकेटी की परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम प्रेषण संबंधी, तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं एमटेक के बीटेक के सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सिक्स्थ सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पंचम सेमेस्टर एटीकेटी के, उन सभी के लिए एग्ज़ाम टाइम टेबल आ गया है। और आप विक्रम यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसे विज़िट करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एमपी टाइम टेबल बी टेक सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी एंड फर्स्ट सेमेस्टर एटीकेटी एग्जामिनेशन जून 2022 के लिए। टाइमिंग रहेगा 11 AM टू 2 PM। आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे 11 जुलाई से। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांच है, CE, ME, EE और EC, इन सभी ब्रांचों में इस तरह से एग्ज़ाम है। 11 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और आप देख सकते हैं हर ब्रांच में कौन कौन सा पेपर है। फिर उसके बाद है 12 जुलाई को पेपर, फिर उसके बाद 16 जुलाई को पेपर है, फिर 18 जुलाई को पेपर है, फिर 21 जुलाई को, फिर 22 जुलाई को, फिर 26 जुलाई को, फिर 27 जुलाई को, 30 जुलाई को, 1 अगस्त को, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बीटेक फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर एंड एटीकेटी एंड थर्ड सेमेस्टर एटीकेटी एग्जामिनेशन जून 2022 के लिए। टाइम रहेगा 11 AM टू 2 PM। इसमें आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे 14 जुलाई से, तो 14 जुलाई को आपका पेपर है, आप चेक कर सकते हैं अलग अलग ब्रांच जो भी आपका ब्रांच है, CE, ME, EE, EC, ठीक है। तो इसमें 14 जुलाई के बाद होगा 15 जुलाई को पेपर है, फिर 19 जुलाई को पेपर है, फिर 20 जुलाई को है, 23 जुलाई को है, उसके बाद 25 जुलाई को है, फिर 28 जुलाई को है और 29 जुलाई को है, 2 अगस्त को है, 2 अगस्त के बाद फिर 3 अगस्त को है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बीटेक सिक्स्थ सेमेस्टर रेगुलर एंड एटीकेटी एंड फिफ्थ सेमेस्टर एटीकेटी एग्जामिनेशन जून 2022। टाइमिंग रहेगा 11 AM टू 2 PM और इसमें एग्ज़ाम शुरू होंगे आपके 11 जुलाई से, जो भी आपका ब्रांच है, CE, ME, EE, EC, तो उसके अनुसार से चेक कर सकते हैं कौन सा पेपर है। 11 जुलाई के बाद आपका नेक्स्ट पेपर है 12 जुलाई को, उसके बाद है 16 जुलाई को, फिर 18 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को, 30 जुलाई को, 1 अगस्त को, इस तरह से आपके पेपर हैं। नेक्स्ट है एमटेक सेकंड सेमेस्टर रेगुलर एंड फर्स्ट सेमेस्टर एटीकेटी एग्जामिनेशन जून 2022 के लिए। टाइमिंग रहेगा 11 AM टू 2 PM। एग्ज़ाम शुरू होंगे आपके 14 जुलाई से, तो 14 जुलाई को पेपर है, उसके बाद 15 जुलाई को पेपर है, 15 जुलाई के बाद फिर 19 जुलाई को पेपर है, फिर 20 जुलाई को पेपर है, फिर 23 जुलाई को पेपर है, 25 जुलाई को पेपर है, 25 के बाद 28 जुलाई को पेपर है, 29 जुलाई को पेपर है, 2 अगस्त को पेपर है, फिर 3 अगस्त को पेपर है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये एग्ज़ाम के टाइम टेबल हैं। जो भी आपका ब्रांच है और जो भी आपका सेमेस्टर है आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। और ये एग्ज़ाम का टाइम टेबल है जुलाई 2022 में आयोजित स्नातकोत्तर स्तर की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम प्रेषण संबंधी। इसमें जो भी कोर्सेस हैं, जैसे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रमों MA, MCOM, MSc, MHSc, MSW, द्वितीय सेमेस्टर नियमित, स्वाध्यायी, ATKT पूर्व यानी रेगुलर, प्राइवेट ATKT और एक्स स्टूडेंटों की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम जो हैं घोषित किए जाते हैं और ठीक है प्रेषित हैं। अब इसमें आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके चेक कर सकते हैं। इसमें है सबसे पहले विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन स्वाध्यायी ATKT पूर्व छात्र सेमेस्टर
परीक्षा माह जुलाई 2022 के लिए। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्टूडेंट हैं, इसमें हैं प्राइवेट स्वाध्यायी यानी प्राइवेट एटी केटी पूर्व एक्स स्टूडेंटों के लिए सेमेस्टर परीक्षा जो होगी जुलाई के लिए 2022 में। तो एमए द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, एमए सेकंड सेमेस्टर का टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM, सुबह 7 बजे से 10 बजे परीक्षा का टाइमिंग है। एमए द्वितीय सेमेस्टर में आप देख सकते हैं 21 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो 21 जुलाई को जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसका फर्स्ट पेपर होगा। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है तो फर्स्ट पेपर होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अगर आपका इतिहास है तो हिस्टोरियोग्राफी है ना, कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल्स ये पेपर का नाम है। अगर आपका हिंदी है तो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास, और अगर अंग्रेजी है तो पोएट्री, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो भी पेपर है एमए द्वितीय सेमेस्टर में, जिस भी सब्जेक्ट को आपने लिया है उस सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर होगा 21 जुलाई को। तो आप चेक कर सकते हैं अपना जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है और जो भी आपका पेपर है। फिर उसके बाद जो है 23 जुलाई को होगा, 23 जुलाई को जो भी आपका सेकंड पेपर है वो होगा। एमए के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनका जो सेकंड पेपर है उनका पेपर होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 23 जुलाई को सेकंड पेपर। फिर है 25 जुलाई, 25 जुलाई को थर्ड पेपर होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है उसका थर्ड पेपर जो है 25 जुलाई को होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 27 जुलाई को, 27 जुलाई को जो है फोर्थ पेपर होगा, चौथा पेपर जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है उसका फोर्थ पेपर जो है 27 जुलाई को होगा। फिर 29 जुलाई को पेपर है, कोई भी आपका और पेपर है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टाइम टेबल है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में है रेगुलर प्राइवेट एटी केटी एक्स स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2022 के लिए। और एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर, एम कॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम टेबल है। टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM और 21 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। 21 जुलाई को फर्स्ट पेपर है, फिर 23 जुलाई को थर्ड पेपर होगा, फिर 25 जुलाई को फोर्थ पेपर है, 27 जुलाई को आपका सेकंड पेपर है, ठीक है। तो जो भी पेपर का नाम है आप चेक कर सकते हैं, एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए है टाइम टेबल। नेक्स्ट आते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी रेगुलर प्राइवेट एटी केटी एक्स स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2022 के लिए, एमएससी सेकंड सेमेस्टर इंक्लूडिंग एमए मैथमेटिक्स। टाइमिंग रहेगा 7 AM to 10 AM, एग्ज़ाम शुरू होंगे आपकी 21 जुलाई से। तो 21 जुलाई से आप देख सकते हैं जो भी एमएससी के आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका पहला पेपर होगा। एमएससी सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल है। एमएससी में जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है उसका फर्स्ट पेपर जो है 21 जुलाई को होगा। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री लिया है तो फर्स्ट पेपर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स लिया है तो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, बॉटनी में प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, जूलॉजी में जनरल एंड कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। तो इस तरह से 21 जुलाई को पेपर है, बाकी आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर है। उसके बाद जो है 23 जुलाई को पेपर होगा, 23 जुलाई को जो है सेकंड पेपर होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा उसका सेकंड पेपर 23 जुलाई को होगा। उसके बाद आते हैं 25 जुलाई को, 25 जुलाई को जो है थर्ड पेपर होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा उसके अनुसार से थर्ड पेपर 25 जुलाई को है। फिर उसके बाद 27 जुलाई को पेपर है, जो भी फोर्थ पेपर होगा उसका, और उसके बाद 27 जुलाई को है वो फोर्थ पेपर ही, और फिर 29 जुलाई को पेपर है फिफ्थ पेपर, या आपने कोई एक्स्ट्रा पेपर लिया है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, जी, और ये एम टेक सेमेस्टर रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर एटी के टी एग्ज़ामिनेशन जून 2022 के लिए रिवाइज्ड टाइम टेबल है ये। टाइमिंग रहेगा 11 AM to 2 PM में, तो ये 14 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो 14 जुलाई को जो भी पेपर है आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 15 जुलाई को पेपर है, फिर 19 जुलाई को पेपर है, 20 जुलाई को पेपर है, 20 जुलाई के बाद 23 जुलाई को पेपर है, फिर 25 जुलाई को पेपर है, फिर 28 जुलाई को पेपर है, फिर 29 जुलाई को पेपर है, फिर 2 अगस्त को पेपर है, फिर 3 अगस्त को पेपर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये रिवाइज्ड टाइम टेबल था एम टेक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जी, और ये टाइम टेबल है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में
माह जुलाई 2022, बीएससी एमएलटी, ध्यान दीजिएगा बीएससी एमएलटी सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की पूरक परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम प्रेषण संबंधी। तो जो कि एमएलटी जिनका कोर्स है उनके लिए टाइम टेबल है। तो आप देख सकते हैं इसमें विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीएससी एमएलटी सेकेंड एंड थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जुलाई 2022 के लिए टाइम रहेगा 3 PM to 6 PM। सेकेंड ईयर का जो है 11 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होंगे आपके, तो 11 जुलाई को जो है थर्ड ईयर का पेपर होगा बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद 13 जुलाई को आपका पेपर होगा बायोकेमिस्ट्री एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, 13 तारीख को सेकेंड ईयर का है। फिर आपका 15 तारीख को थर्ड ईयर का पेपर होगा हीमेटोलॉजी एंड अप्लाइड हीमेटोलॉजी। फिर उसके बाद 20 जुलाई को आपका पेपर होगा अप्लाइड हिस्टोलॉजी स्पेशल हिस्टोलॉजी हिस्टोकेमिकल मेथड्स थर्ड सेमेस्टर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। फिर उसके बाद है 22 जुलाई को अप्लाइड हिस्टोलॉजी एंड बेसिक सेलुलर पैथोलॉजी एंड अप्लाइड टेक्निक्स, ये सेकेंड ईयर का पेपर है। फिर इसके बाद 25 जुलाई को आपका थर्ड ईयर का पेपर होगा माइक्रोबायोलॉजी का, और फिर 27 जुलाई को सेकेंड ईयर का पेपर होगा माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम टेबल था एमएलटी कोर्स जो है बीएससी का जिन्होंने लिया है उसके संबंध में। आइए देखते हैं नेक्स्ट जी। और ये टाइम टेबल है विक्रम यूनिवर्सिटी में ही बी फार्मा के लिए, सत्र 2021-22 के बी फार्मा नया पाठ्यक्रम द्वितीय चतुर्थ अष्टम एवं अष्टम सेमेस्टर के नियमित एटीकेटी पूर्व तथा बी फार्मा नवीन पाठ्यक्रम प्रथम तृतीय पंचम सप्तम सेमेस्टर के एटीकेटी पूर्व छात्र एवं बी फार्मा पुराना पाठ्यक्रम षष्टम अष्टम सेमेस्टर के नियमित एटीकेटी पूर्व एवं एम फार्मा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम प्रेषण संबंधी। तो जितने भी फार्मा से रिलेटेड कोर्सेज हैं बी फार्मा और एम फार्मा के स्टूडेंटों के लिए टाइम टेबल है। जो भी उनका सेमेस्टर है सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ उनके लिए है, ओल्ड कोर्स और नया कोर्स दोनों के लिए, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप वेबसाइट पर विज़िट करके चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम जुलाई 2022, टाइम रहेगा 2 PM to 5 PM। बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फॉर रेगुलर एटीकेटी एक्स न्यू कोर्स के लिए 11 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। 11 जुलाई को पेपर है, फिर 13 जुलाई को पेपर है, फिर 15 जुलाई को, फिर 18 जुलाई को। फिर बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का है, सेकेंड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर में 12 जुलाई से एग्ज़ाम है, 12 जुलाई को पेपर है, फिर 14 जुलाई को है, 16 जुलाई को है, 19 जुलाई को है, फिर 21 जुलाई को है। फिर बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर फॉर रेगुलर एटीकेटी एक्स न्यू कोर्स के लिए है, तो सिक्स सेमेस्टर में 12 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होंगे, फिर 14 जुलाई को पेपर है, 16 जुलाई को पेपर है, 19 जुलाई को पेपर है, फिर 22 जुलाई को पेपर है, फिर 25 जुलाई को पेपर है। फिर बी फार्मा एट्थ सेमेस्टर का 11 जुलाई से पेपर है आपका बी फार्मा एट्थ सेमेस्टर में, तो 11 जुलाई को पेपर है, उसके बाद 13 जुलाई को पेपर है, 15 जुलाई को, फिर 18 जुलाई को, फिर 20 जुलाई को, फिर 22 जुलाई को, 23 के बाद 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई को पेपर है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एटीकेटी के लिए 2 अगस्त से है, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, फिर 4 अगस्त, फिर 5 अगस्त। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर एटीकेटी एक्स के लिए 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। एम फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का भी 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त का। एम फार्मा सेवन सेमेस्टर में भी 16 अगस्त, 16 जुलाई, ध्यान दीजिएगा बी फार्मा सेवन सेमेस्टर एटीकेटी का 16 जुलाई, 19 जुलाई, 21 जुलाई और 30 जुलाई को है, ठीक है। इसके बाद बी फार्मा सिक्स्थ जो है सेमेस्टर में 11 जुलाई को पेपर है, 13 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई को। और बी फार्मा एट्थ सेमेस्टर ओल्ड कोर्स है 11 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई और 20 जुलाई को, ठीक है। इसी तरह से एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फॉर रेगुलर जुलाई 2022 के लिए टाइम रहेगा 2 PM to 5 PM और मॉलिकुलर पी में
11 जुलाई को पेपर है, फिर 14 जुलाई को, 18 जुलाई को, 21 जुलाई को पेपर है, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट वन ईयरली एग्ज़ाम जुलाई 2022 के लिए 20 जुलाई से पेपर है, फिर 20 जुलाई के बाद 25 जुलाई को, 27 जुलाई, 29 जुलाई, फिर 2 अगस्त को पेपर है, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम टेबल था। जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सेमेस्टर है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।